जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9, 10, 11 और 12 और साथ ही साथ बीएड के छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के दो दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें एक विज्ञप्ति और साथ ही साथ एक पेपर कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है छात्रवृत्ति 11 से खुलेगा ई पोर्टल। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों अपडेट को एक एक कर संक्षेप में बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी छात्रों तक पहुँचाने का कोशिश करूंगा, इसीलिए आप सभी छात्र हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के यह जो विज्ञप्ति है इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो इसमें सबसे ऊपर में दिया गया झारखंड अधिविद परिषद रांची, यानी कि यह जो विज्ञप्ति है झारखंड एकेडमी काउंसिल ने आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के आज ही प्रकाशित किया है। और यह सभी समाचार पत्रों यानी कि प्रभात खबर, दैनिक कर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सभी समाचार पत्रों में आज इसे छापा गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSS में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु फ्रेश रेन्यूअल आवेदन ऑनलाइन जमा करने के संबंध में, यानी कि यह जो विज्ञप्ति है राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का है, जिसमें आप लोग अगर बैठेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एग्जाम लिया जाता है और इसमें पास होने के बाद 4 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाता है। और दोस्तों, इसमें जो दिया गया है इसको जो अप्लाई करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसका वेबसाइट दिया गया है scholarship.government.in, तो इसमें दिनांक 1/10/2023 से 30/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। एक बार आप लोग इसका डेट फिर से सुन लीजिए, दिनांक 1/10/2023 से 30/11/2023 तक, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक इसको ऑनलाइन करना है इसके वेबसाइट में। और दोस्तों, ये जो दिया गया इसमें क्लास 9, 10, 11, 12 सबका डिटेल से दिया गया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को पढ़ करके बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यह जो विज्ञप्ति है इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आप लोग जाइए और उस ग्रुप में शामिल हो जाइए, हम टेलीग्राम में इसे शेयर कर देंगे, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप सभी छात्रों का जो दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है छात्रवृत्ति 11 से खुलेगा ई पोर्टल। जी हां दोस्तों, आप लोग जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपका जो छात्रवृत्ति है तो उसके लिए झारखंड का ई कल्याण पोर्टल 11 से खुलेगा। इसका दोस्तों नीचे दिया गया रांची, यानी कि यह जो अपडेट है रांची से प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि कल्याण विभाग ने बीएड कोर्स सत्र 2021-23 में नामांकन लेने वाले SC ST और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। यानी कि आप लोग जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जो नया एडमिशन लिए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का जो चौथा काउंसलिंग का डेट अब हाल ही में निकला है, तो आप लोगों के लिए झारखंड का जो ई कल्याण पोर्टल है उसे 11 से खोला जाएगा। 11 से मतलब है कि 11 अक्टूबर से। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के बीएड कॉलेजों द्वारा ई कल्याण पोर्टल रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगा। कब से कब तक? 11 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी और आवेदन का सत्यापन 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आपसे बीएड के छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और दोस्तों, यह जो छात्रवृत्ति का रकम है दो बार दिया जाता है, 40-40, 80,000 या फिर उससे आगे पीछे कम बेसी भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9, 10, 11 और 12 और साथ ही साथ बीएड के छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के दो दो महत्वपूर्ण अपडेट था जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे छात्रों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों, ठीक किसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, VVI प्रश्नों का उत्तर होता है, मॉडल प्रश्न पत्र का सोल्यूशन होता है या फिर मेरे तरफ से कोई भी गाइडलाइन होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे छात्रों तक भेजता रहता हूँ, इसीलिए आपसे छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू।